दोस्तों इस नर्सरी में बीज का जमाव भी एकदम शानदार हुआ था और इस नर्सरी में किसी भी तरह का रोग भी नहीं आया, ना ही किसी कीट का प्रकोप हुआ और उसके बावजूद पूरी नर्सरी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों ये जो आप नर्सरी देख रहे हैं ये फूल गोभी की नर्सरी है और आज ये करीब 17 से 18 दिन की हो चुकी है। काफ़ी शानदार और आधुनिक तरीके से, मतलब वैज्ञानिक विधि से इस नर्सरी को ग्रो किया गया था, काफ़ी आधुनिक तरीके से इसको लगाया गया था और बीज का जो जर्मिनेशन है वो भी काफ़ी शानदार हुआ था। इसमें बीज का जमाव 99% तक इसका हुआ था और काफ़ी अच्छे से ये नर्सरी जो है वो ग्रो कर रही थी, लेकिन किसान की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से पूरी नर्सरी जो है ये दहस नहस हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे इसमें करीब 50% से ज़्यादा नर्सरी जो है वो बर्बाद हो चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप बरसात के सीजन में नर्सरी तैयार कर रहे हैं, चाहे नर्सरी आपकी टमाटर की हो या फूल गोभी की हो या पत्ता गोभी की हो, लेकिन बरसात के सीजन में अगर आप नर्सरी ग्रो कर रहे हैं तो उसमें देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सावधानियाँ आपको उसमें बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। थोड़ी सी अगर, वो कहते हैं ना, थोड़ी सी अगर नज़र हटी तो समझो दुर्घटना घटी, वही इस नर्सरी में हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये नर्सरी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों इस नर्सरी में हुआ क्या है चलिए समझते हैं। इस नर्सरी में ना तो कोई रोग आया है और ना ही किसी रस चूसने वाले या किसी कीट का प्रकोप हुआ है, बिना किसी रोग के ये नर्सरी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों इस नर्सरी के खराब होने का कारण ये रहा कि किसान भाई ने इसके ऊपर जो शेड नेट लगा रखा था धूप और बारिश से बचाने के लिए, उस शेड नेट को इन्होंने थोड़ा ठीक से नहीं लगाया। ठीक से उसको नहीं लगाने की वजह से जैसे ही इसमें बारिश आई और बारिश के साथ में थोड़ी हवा थी, उस वजह से शेड नेट पूरा बारिश में भीग कर और पूरा इस नर्सरी के ऊपर आ गिरा और उसकी वजह से, मतलब बारिश की वजह से शेड नेट में वजन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और बारिश भी काफ़ी देर तक होती रही, तो इस वजह से पूरी नर्सरी ये टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और शेड नेट को बारिश रुकने के बाद में, उठाने के बाद में शायद इस नर्सरी में कोई ज़्यादा रख रखाव नहीं किया गया, इस वजह से ये नर्सरी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि जब भी आप बारिश के सीजन में नर्सरी तैयार करें तो उसकी देखरेख और सावधानियां जरूर रखें। इस तरह की सावधानियां अगर किसान भाई ने रखी होती तो ये नर्सरी खराब नहीं होती। आप भी अगर बारिश के सीजन में इस तरह की नर्सरी तैयार करते हैं तो शेड नेट वगैरह का जो आप इंतजाम करते हैं वो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, उनमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस तरह की लापरवाही करते हैं तो हमारी जो नर्सरी है वो काफी हद तक खराब हो सकती है। वीडियो में दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी, वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।